हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे परफेक्ट आलू पराठा। आलू पराठा में बनाने वाले जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी उसकी स्टफिंग बाहर आ जाती है, कभी पराठा फट जाता है, कभी आप उसमें ज़्यादा स्टफिंग फिल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करें तो आलू पराठा बनाना बहुत ही आसान होगा, हैवी ब्रेकफास्ट और बहुत ही ईजी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, इससे ये फास्ट हो जाएगा बिकॉज़ हम इसको बॉईल करने वाले हैं। आप चाहें तो खुले पतीले में बॉईल कर सकते हैं। पानी हमने इतना ऐड करना है कि वो डूब जाए, और इसमें एक सीटी लगाकर सिमर पर 4 से 5 मिनट छोड़ दिया था मैंने। जब उसका प्रेशर चला गया तो मैंने पूरा पानी फेंक दिया है। पानी में ज़्यादा देर आपने नहीं रखना है, वरना आलू बिल्कुल सौगी हो जाएंगे। आलू का सारा छिलका पील कर लें और उसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। आलू अंदर से कच्चे नहीं होने चाहिए, आपने उसको परफेक्ट उबाल लेना है। लेकिन यहाँ पर आलू ज़्यादा भी नहीं उबलना चाहिए, अगर ये ज़्यादा उबल जाएगा तो आलू बहुत स्टिकी हो जाएंगे, और जब आप उसको पराठे के अंदर स्टफ़ करेंगे आटे में तो ऊपर से वो फटने लगेगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली डन है, ना ज़्यादा ओवर कुकड है और ना ही अंडर कुकड है। तो बस इसी तरह से ये कुक हो जाना चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरे को भूनकर उसका पाउडर बना के ऐड किया था। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ज़ीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मेथी के पत्ते धोकर उसको भी ऐड कर सकते हैं। खूब सारी हरी मिर्चें, जितना आप तेज़ खाते हैं। अगर आप मेथी का पत्ता या कोथमीर का पत्ता ऐड कर रहे हैं तो उसको धोकर पहले आप पूरा पानी ड्रेन कर ले, उसी के बाद आपने ऐड करना है, वरना अंदर की स्टफिंग गीली हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, ये ऐड करना ऑप्शनल है। आप इसके जगह पे आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कतरे नींबू का रस भी ऐड किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन वगैरह ऐड नहीं किया था, आप चाहें तो कुछ लहसुन की कलियों को बिल्कुल बारीक ग्रेट करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस इसको हल्का हल्का आप मिक्स कर लें, बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप मिक्स करेंगे तो अंदर की फिलिंग स्टिकी हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया और हाथों से बस इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़ोर से दबाते हुए, जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे इसको बिल्कुल भी नहीं मसलना है। तो बस ये रेडी हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पर आटा मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ था, जो मैंने एक दिन पहले गूंदा था। इसमें मैंने सिर्फ नमक मिलाया था और थोड़ा सा तेल, और पानी मिलाकर इसका मीडियम आटा लगा लिया था, जैसे हम चपाती के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर पहले बाहर निकाल कर रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको मैंने 5 से 7 मिनट मसल लिया है, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आटा जो है ये सॉफ्ट होना चाहिए, अगर ये हार्ड होगा तो इसके अंदर जब आप स्टफिंग करेंगे तो बेलते वक्त सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने बड़े नींबू के साइज़ का पेड़ा इस तरह से बनाया है, ये देखिए। अब चलते हैं स्टफिंग की तरफ। स्टफिंग जो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख लिया था, इसके हमने इस तरह से पेड़े बना लेने। जितना ज़्यादा आप स्टफिंग ऐड करेंगे उतना ही वो खाने में टेस्टी लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पेड़े बनाए थे, ये देखिए, कुछ इस साइज़ के। जितना साइज़ का आपका पेड़ा है आटे का, उससे इसको थोड़ा सा आपने बड़ा ही रखना है। अगर आप चाहें तो आप डबल भी रख सकते हैं, लेकिन आपका जो आटा है वो अच्छी तरह से भीगा हुआ होना चाहिए। मैंने एक दिन पहले उसको मला था, आप चाहें तो 2 से 3 घंटे पहले ही मल कर रख दें। ये देखिए, आप देख सकते हैं साइज़। अब यहाँ पर इस तरह से एक पेड़ा ले लें, उसको आटा लगा लें, और इस तरह से आपने इसको खींचते हुए इसकी कटोरी बना लेनी है। बीच से आपने उसको मोटा ही रखना है और साइड से फैला लेना है। एक गोला मैंने ले लिया है, इसको अंदर आपने फिंगर से इस तरह से प्रेस कर लेना है, और बाहर का जो आटा है उसको ऊपर ऊपर आपने इस तरह से खींचते जाना है, ये देखिए। क्योंकि ऊपर का आटा हमने नरम गूंदा था तो ये बहुत आसानी से फैल जाएगा ऊपर। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से प्रेस करके सील कर लेना है, और फिर इस तरह से प्रेस कर ले, ये देखिए। तो ये रेडी हो गया है, बस अब सूखा आटा लगा ले थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर ले ताकि स्टफिंग हर तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। अब आपने इसको इस तरह से बेल लेना है। बेलते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हुए नहीं बेलना है, क्योंकि हमने आटा इसका सॉफ्ट ही मला था और अंदर की स्टफिंग भी बिल्कुल सॉफ्ट है, तो ये अच्छी तरह से अपने आप ही फैलेगा। आपको इसको बहुत ज़ोर लगा के प्रेस नहीं करना है, वरना ये फट जाएगा, ये देखिए। अब तवा अगर बहुत गर्म है और उस पर अगर चिपकने की गुंजाइश है तो नीचे थोड़ा सा ऑयल पहले लगा ले, फिर ही पराठा ऐड करें। ऑयल को अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर आपने इसी तरह से रख लेना है तवे पर। फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी जल जाएगा। बस कुछ सेकेंड्स बाद जब इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए तो इसको आपने पलट लेना है। अब उसको मीडियम फ्लेम पर सिकने के लिए हम छोड़ देते हैं, जब तक कलर अच्छी तरह से नहीं आ जाता है। और यहाँ पर हम दूसरा बना लेते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से एक वाटी बना ली है, बीच में से आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, साइड से फैला के पतला कर लेना है। एक बड़ा गोला रख दिया है, दबा लें अंदर उसको इस तरह से,
और इसको सील कर लें। ये देखिए, अंदर प्रेस करते जाएं स्टफिंग को और ऊपर से इस तरह से आपने इसको दबाते हुए कवर कर लेना है। तो ये परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से स्प्रेड कर ले और फिर उसको आपने बेल लेना है। तब तक यहाँ पर ये सिक गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ऊपर से पलटने के पहले। ऑयल लगाने से ये बहुत अच्छे से फूलता है। ये देखिए, ये अपनी आप ही फूल गया है। तो हर पराठा फूले ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा फूला था तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी फूलेगा। मेरा भी हर पराठा नहीं फूला था, बट इसको आपने मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से क्रिस्प कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर आप देसी घी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप ज़्यादा देर लो मीडियम फ्लेम पर इसको कुक कर ले। अब यहाँ पर जो दूसरा पराठा है वो मैं बेल रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी स्टफ़ करके रखा था। आराम से बेल लें उसे। जब आप आलू को मैश करें तो अच्छी तरह मैश कर लें कि उसके अंदर कोई गांठ नहीं रह जाए, उससे भी पराठा ऊपर से फट जाता है। जितना हो सके उसको फोक से या स्पून से ही आपने प्रेस करते हुए मैश कर लेना है। अगर आप उसको ग्रेट कर लेंगे तो उससे भी आलू स्टिकी हो जाता है। ये देखिए, तवे पर मैंने ऐड कर दिया है, फ्लेम मीडियम था, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है और इसको थोड़ी देर के बाद मैंने फ्लिप कर लिया है। जैसे ये हल्का सा सिक जाए दूसरी तरफ से, तो थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर से आपने इसको पलट लेना है। इसमें मेरा कोई भी ऐसा पराठा नहीं था जो फट गया था, बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हुआ था। इसमें आटे का ही कमाल होता है। आटा जो होता है वो आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है। कम से कम 2 से 3 घंटे का रेस्टिंग टाइम ज़रूर दें। अगर आपने एक दिन पहले मलकर फ्रिज में रखा है तो उससे भी वो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। बट उसको एक बार आप फिर से अच्छी तरह मल लें और फिर आपने पराठे बना लेने। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। सारे पराठे मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। मुझे थोड़े से भरे भरे पराठे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने स्टफिंग ज़्यादा ही ऐड की थी। अगर आप चाहें तो कम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आलू का पराठा जो है उसमें आलू की स्टफिंग ज़्यादा हो तो ही मज़ा आता है। ये देखिए, आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। इसके साथ आप छुंदा या अचार या दही के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आम छुंदे की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो आम छुंदे की रेसिपी वहां से ले सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आप आम छुंदे को फ्रिज में बनाकर आराम से कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो सारे पराठे यहाँ पर बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। लग रहा है ना टेम्प्टिंग? तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपका आलू पराठा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर, बाय।